मध्य प्रदेश के जबलपुर में शनिवार की रात चेकिंग के दौरान आरपीएफ की टीम ने दो युवकों को पकड़कर उनके पास से लाखों के जो है कीमत की 40 किलो चांदी जब्त की है। दोनों ही युवक जबलपुर के रहने वाले हैं। वे नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा में आभूषण बेचने जा रहे थे। पकड़ी गई चांदी की कीमत 25 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। जबलपुर आरपीएफ टीआई इरफान मंसूरी ने बताया कि शनिवार की रात को हमारी टीम प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान दो युवक संदिग्ध देखे गए, जो कि बड़े बड़े दो बैग लिए हुए थे। संदेह के आधार पर जब दोनों युवकों को रोककर पूछताछ की और उनसे बैग खोलने को कहा तो आनाकानी करने लगे। सख्ती से पूछताछ के दौरान पता चला कि दोनों ही बैग में करीब 40 किलो चांदी के आभूषण रखे हुए हैं। दोनों का नाम निशान जैन और अतिक जैन है। पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया कि जबलपुर में उनकी ज्वेलर्स की दुकान है और वे नरसिंहपुर के गाडरवारा जाकर ये जेवर वहां पर देने जा रहे थे। आरपीएफ ने जब दोनों ही युवकों से आभूषण के दस्तावेज मांगे तो वे नहीं दे पाए। आरपीएफ ने दोनों ही युवकों को अभिरक्षा में लेकर उनके पास रखे चांदी के जेवर जब्त कर लिए हैं। जीएसटी और इनकम टैक्स विभाग को भी इसकी जानकारी दे दी गई है।